आयुष्मान भारत योजना में काफ़ी सारे लोग गोल्डन कार्ड बना रहे हैं। जिनके पास गोल्डन कार्ड यानी कि आयुष्मान भारत कार्ड है, तो उनका फैमिली में जिनको भी कोई दिक्कत होगा, हेल्थ का इशू होगा, तो वो अपने नियरबाई कोई भी हॉस्पिटल में जाके 5 लाख रुपए तक का हेल्थ का ट्रीटमेंट ले सकते हैं फ्री में। लेकिन अभी जो है एक आईडी निकल चुका है। अगर आपको आईडी बनाना है कि ये आयुष्मान भारत कार्ड को हम कैसे बना सकते हैं किसी और का, या फिर डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको गूगल पे आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना होगा TECHMEHER, जो कि टैग मेहर है। पहले आपको लिंक मिलेगा techmeher.com का, आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक पोस्ट मिलेगा आयुष्मान भारत एजेंट रजिस्ट्रेशन का, नहीं तो आप यहाँ पर सर्च करके भी आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है। तो ये पोस्ट में आने के बाद आप यहाँ पर देखिए पूरा आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, इसलिए आपको यहाँ पर देखिए वेबसाइट लिंक है, क्लिक है, बस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा, आपको हाउ टू गेट आयुष्मान कार्ड वाले सेक्शन में आना है। आपको यहाँ पर 3 टैब मिलेगा। पहला वाला जो टैब है रजिस्टर योर सेल्फ एंड सर्च बेनिफिशियरी, आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना स्टेट को यहाँ से चूज़ करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चूज़ करना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, अपना नेम लिखना है, जेंडर आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सबमिट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए यूजर हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉगिन में। अभी आप यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, पहला तो ऑपरेटर है। इसके बाद अगर आप खुद के लिए करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेल्फ यूजर का भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमको ऑपरेटर आईडी चाहिए। तो यहाँ पर ऑपरेटर को सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे, या फिर अगर आपके पास CSC आईडी है तो आप यहाँ पर CSC कनेक्ट का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के साइन इन करेंगे। आपके मोबाइल नंबर में OTP आएगा, जिसको यहाँ पर आपको डालना होगा। ऐसे OTP को डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएगा ये वाला डिटेल्स, आपको इसे फिल करना होगा। फिल करने के लिए अपना आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको किस तरीके से अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है, अपना कंप्लीट करना होगा EKYC। इसके लिए अपना OTP, फिंगर, ईरीज या फिर फेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर OTP करेंगे, इसके बाद गेट OTP। मोबाइल नंबर में फिर से OTP आएगा, जिसको आप यहाँ पर ऐसे डालेंगे, इसके बाद वेरीफाई। जैसे आप यहां पर वेरीफाई करेंगे, जैसे आपका EKYC कंप्लीट हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ जाएगा, जैसे कि हम यहां पर आपका दिखा देता हूं लॉग आउट करके क्या ये हो रहा है या फिर नहीं। तो यहां पर मेरा जो है EKYC कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से यहां पर लेफ्ट साइड मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जैसे आपका EKYC कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरीके से आपको यहां पर शो करेगा सारा डिटेल्स। आप यहां पर इसे एक एक करके देख सकते हैं कि कौन सा सर्विस आपके लिए काम वाला है और कौन सा नहीं है। आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, सभी रिपोर्ट को एक्सेल में या फिर PDF में इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं किसी का भी, अगर आपको ढूंढना होगा तो उनका ही आप ऐसे EKYC भी करके उनका भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो जिनका नहीं बना होगा, आप इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था अपना आधार कार्ड देके EKYC करना है, तो उनका भी सेम वैसे ही प्रोसेस में आपको करना होगा, इसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। वीडियो में कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।